और चीन के बीच हुए झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जिसे लेकर भारत के लोगों में काफी आक्रोश और उबाल है। आपको हम बता दें, चाइना के खिलाफ पूरे देश के साथ साथ बंगाल की जनता में भी उबाल देखने को मिला। चीनी राष्ट्रपति की शव यात्रा निकाल कर उनका पुतला भी जलाया गया। लद्दाख में 20 भारतीय सपूतों के शहीद होने के बाद देशवासियों का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे भारतीय सपूतों का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पहुंच रहा है, ठीक वैसे वैसे चाइना के खिलाफ लोगों का गुस्सा और भी उग्र दिखाई दे रहा है। आज आसनसोल शहर के चित्रा मोड़ इलाके में लोगों ने चीन के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग की शव यात्रा निकाली और चीन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भारत से चाइना प्रोडक्ट को पूरी तरह से बायकॉट करने का नारा लगाया। सरकार से खून का बदला खून से लेने का आह्वान भी किया गया है। इस शव यात्रा में शामिल महिलाओं और पुरुषों ने राम राम सत्य है के नारे भी लगाए और शव यात्रा को लेकर बाद में जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें, बाद में इन लोगों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाकर चीन के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया है। अरे इसको रख दीजिए। अरे भैया सामने लड़ी है, भैया भैया सामने लड़ी है। अरे भैया सामने लड़ी ना, भैया भैया सामने लड़ी, सामने लड़ी, मोबाइल में डूबाइए। अरे बाबू ए हट, अरे बाबू ए भाई पीछे रहे भाई, अरे तमाशा भाटो फोड़ दिए, भाटो फोड़िए, भाटो प्रधानमंत्री है, उसका शव यात्रा निकला है, उसको उसका शव यात्रा निकल के यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किए और हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि चीन का जो प्रधानमंत्री है उसको हम लोग का सेना के ऊपर जो कार्रवाई हुआ है वो गलत हुआ है, उसका विरोध में हम लोग यहाँ पुतला जलाए हैं और चीन का विरोध करते हैं। तो क्या क्या किए जिस तरह से मर्जी में किया जाता है उस तरह क्या? हाँ, ये पूरा शव यात्रा निकल के उसको यहाँ घुमा के यहाँ पर सब उसको जला दिए हैं। आपका नाम? गणेश मड्डी, आसनसोल निवासी।